जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है। रियल नंबर है, यह रियल नंबर जो है ये नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है। ऐसे कहा जाए तो नंबर कितने तरह का होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो रियल नंबर का डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे √2 का स्क्वायर आप कर दीजिए तो ये आपका 2 आ जाता है, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका 4 आ जाता है। ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है। क्या इसका ठीक अपोजिट, अगर जो नंबर का स्क्वायर निगेटिव आ जाए तो वैसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, अगर -2 √ का होल स्क्वायर कर दे तो ये आपका -2 आता है, -3 √ का होल स्क्वायर कर दे तो ये आपका -3 आता है। इस तरह के नंबर्स के बारे में आप लोग क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे, क्लास 11 में। फिलहाल आप लोग को क्लास 10 तक रियल नंबर के बारे में ही जानना है। रियल नंबर को पढ़ने से पहले आप लोग को यह जानकारी होगी, जरूर ही जानकारी होगी कि नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, जो कि शुरू होता है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, अगर 0 को भी नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो ये आपका होल नंबर बन जाता है। इसके बाद आपका आता है इंटीजर। इंटीजर हम लोग किसको कहते हैं, इंटीजर पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, उसके बाद 0, -1, -2, -3, -4, ये सारे जो है आपका इंटीजर्स हो गए। इसमें इंटीजर जैसा कि आप डेफिनेशन से ही जान रहे हैं कि ये आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर है और ये आपका निगेटिव नेचुरल नंबर है, और ये इसमें 0 अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो ये सारे नंबर मिलकर हो जाते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम लोग आई या नहीं तो जेड से सूचित करते हैं। एक चीज और इसमें जान लीजिए, जानकारी है आपको दे दे रहा हूं, अगर हम 0 से लेकर शुरू करें और इसको 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक चले जाए तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर हो जाता है। इसको हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, इंटीजर भी कहते हैं। अब यदि 0 को लेते हुए अगर हम इधर निगेटिव वाले सारे नंबर्स को ले लें तो ये जो नंबर हो गया 0 से लेकर आपका -1, -2, -3, -4 तक, इस सारे नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां एक बात समझ में आप लोग को मैं बता दूं कि 0 तो ना ही पॉजिटिव कह सकते हैं 0 को, और 0 को ही ना ही निगेटिव कह सकते हैं। अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात आए तो 1, 2, 3, 4, 5 टू अप टू इन्फिनिटी। सिर्फ निगेटिव नंबर की बात आए तो -1 से लेके -इन्फिनिटी तक। अगर नॉन निगेटिव की बात आए, यानी कि निगेटिव को आप छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया, 0 बच गया और पॉजिटिव बच गया। तो नॉन निगेटिव में हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक हो जाता है। इंटीजर्स के बारे में का टाइप्स के बारे में एक चीज और आप जानते ही होंगे कि ये ऑड नंबर और इवन नंबर है ना। ऐसे ऑड और इवन का डेफिनेशन ये होता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। और इसमें देखा जाए कि
इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स में देखा जाए तो वन आपका ऑड हो जाता है, टू आपका इवन, इवन प्लेस है, ऑड प्लेस है, इवन प्लेस है, ऑड प्लेस है, ये आपका ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, यानी जीरो आपका इवन इंटीजर्स की श्रेणी में आता है। उसके बाद इंटीजर को हम एक दूसरे तरीके से और भी डिवाइड करते हैं, जो कि होता है आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और दूसरा होता है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर हम लोग इसको कहते हैं, प्राइम नंबर का अगर जो हम एग्जांपल दें आपको, लिखेंगे टू, लिखेंगे थ्री, लिखेंगे फाइव, लिखेंगे सेवन, लिखेंगे, ये सब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जो कि खुद से या तो वन से डिविजिबल हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये हो जाता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ इज कॉल्ड कॉल्ड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और ठीक इसका, द नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर, है ना, द नंबर एक्सेप्ट देन प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम इस तरह से भी समझने के लिए कह सकते हैं कि द नंबर एक्सेप्ट देन प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। रियल नंबर में हम आगे से बढ़ने से पहले कुछ छोटी मोटी बातों का डिस्कशन करना हम चाहेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि कोई भी चैप्टर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पहले बेसिक जानकारी दी जाएगी। बेसिक जानकारी में आपका सबसे पहली जानकारी ये हो जाती है कि एल्गोरिदम हम लोग किसको कहते हैं। एल्गोरिदम का डेफिनेशन होता है ए वेल डिफाइंड स्टेप्स विच इज यूज्ड टू सॉल्व सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी खास तरह के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए जो कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स का हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद आप इसमें सुनेंगे लेमा, इस चैप्टर में सुनेंगे लेमा। लेमा हम लोग किसको कहते हैं कि ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, वो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट होगा, यूज्ड फॉर प्रूविंग प्रूविंग अनेदर अनेदर स्टेटमेंट, जो इसकी सहायता से हम लोग अलग स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। इसके बाद आगे आता है आपका इस चैप्टर में यूक्लिड, डिवीजन, एल्गोरिथम, यूक्लिड, डिवीजन, लेमा। चूंकि लेमा और एल्गोरिथम जो है लगभग एक ही तरह का सेंस देता है, तो एल्गोरिथम हम इसलिए भी कहते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में सर्टेन कुछ स्टेप्स होते हैं और जो कि हमको सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती हैं। और ये लेमा हम इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो दिया गया है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है और इसकी सत्यता की जांच हम कुछ एग्जाम्पल से ही कर सकते हैं। जैसा कि आप बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं डिवीजन, सिंपल सब डिवीजन बनाते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। अब इस सिंपल डिवीजन के बारे में जो जानकारी हमको दिया है, सबसे पहले यूक्लिड ने दिया है और इसने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को इस तरह से डिफाइन किया
कि जैसा कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी कि यह जो आपका आर है, इसका वैल्यू बी से हमेशा छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। और इसी चीज को हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट अ प्लस रिमाइंडर। इस चीज को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये डिवीजन का प्रॉब्लम जो है हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब इस क्लास 10 में आके समझेंगे हम कि ये जो है आपका ऑलरेडी लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम लोग यूज करते हुए बहुत दिनों से आ रहे हैं। इसके लिए हम टीचर से ये नहीं पूछते हैं कि सर इसका प्रूफ क्या होगा, सिंपल वो बताते हैं कि इस तरह से स्टेप करके आपको डिवाइड करना है और हम करते चले जाते हैं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से आपको क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट में बढ़ोतरी होती है। ये सबसे पहली बात ये है कि इसकी सहायता से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। जैसा कि HCF आप समझ रहे होंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम हर एक शब्द को अलग अलग करके समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 12 और 18 का ए कोई नंबर दिया गया है 12 और 18, बी कोई नंबर दिया गया है 18। अगर इसका आप फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 2 × 3, कहने का मतलब ये 12 का फैक्टर्स हो गया, 12 का फैक्टर। फिर 18 का फैक्टर्स आप निकालते हैं तो 3 × 3 × 2। अगर दोनों के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कि ये सारे फैक्टर, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 2 3 1 हो गए, और 18 का फैक्टर 3 3 2 1 हो गया। अब इस दोनों चीज को हम मिला देते हैं, कॉमन फैक्टर हमको चाहिए, कॉमन फैक्टर। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 दोनों में है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, 1 से डिविजिबल है आपका 18 भी और 12 भी डिविजिबल है, तो कॉमन फैक्टर हो गया। इसके बाद अगर 2 को लेते हैं तो 2 भी दोनों को डिवाइड करता है, 18 को और भी 12 को भी डिवाइड करता है। उसके बाद यदि 3 लेते हैं तो 3 भी कॉमन फैक्टर हो जाता है, तो 3 से दोनों डिवाइड होता है, 18 और 12 भी। उसके बाद अगर इस दोनों को मिला के हम ले लें, 2 × 3 6, तो 6 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि प्राइम नहीं है, प्राइम कॉमन प्राइम हम इसको नहीं कह सकते हैं, तो 6 जो है कॉमन फैक्टर है 18 का भी और 12 का भी। अब यहां पर कॉमन फैक्टर की संख्या 1 2 3 और 4, हमको 4 कॉमन फैक्टर मिलती है। इसके बाद अगर हम इस तीनों को मिला के बोले हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम देख रहे हैं कि 6 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम 12 और 18 का एचसीएफ कहेंगे कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता है। अब इस एचसीएफ, यहां तो हम देख रहे हैं कि छोटा संख्या था 12 और 18, लेकिन बड़ा संख्या आ जाए, बहुत बड़ा संख्या आ जाए, तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। तो इस तरह के एचसीएफ को निकालने के लिए आप यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। इसमें कुछ स्टेप्स आपको बताए जाएंगे जिसको फॉलो करके आप उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे कि हम 12 और 18 का एचसीएफ अगर निकालना चाहें तो हम सिंपली कहते हैं
आप 12 से डिवाइड कीजिए 18 को, तो 1 बार टाइम्स में 2 ये 6 हो गया, फिर ये 12, अब 12 जो को जो है 6 डिवाइड करता है 2 टाइम्स में, रिमाइंडर आपका 0 बचता है। अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के स्टैंडर्ड पैमाने पर, स्टैंडर्ड तरीके से लिखने के लिए अगर कहा जाए हमको, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और फिर उसके बाद इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इसका 0। तो यहां पर जिससे यह डिवाइड होता है अंत में, जब हम रिमाइंडर 0 हमें मिलता है, तो वो जिसके चलते मिलता है, जिस नंबर से मिलता है, तो वो हमारा हो जाता है एससीएफ, यानी कि इसका एससीएफ 6 हो जाता है।